हेलो इवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और एक अच्छे तरीके से अपनी SBI क्लर्क की तैयारी में जुटे हुए होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पे, जिसमें दो रैंडम कमेंट्स जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी। पहला कि हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी और दूसरा हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। पहले वाले को अगर डिस्कस करें तो इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब है कि मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं कर रहा भी आजकल। एक मॉक टेस्ट पहले भी लगाते हैं, आज भी एक ही मॉक टेस्ट लगाते हैं, दूसरा तीसरा लगाने का मन नहीं करता। तो वो चीजें कैसे डेवलप करें खुद में कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके हमें अपनी तैयारी को इस लेवल पे लेके जाना चाहिए था कि 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली लगा रहे होते हैं, उसी टाइम पे अभी हम मुश्किल से एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और वो भी मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं हो रहा है। तो कैसे ये चीजें डेवलप करनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से आप अपना अप्रोच चेंज करोगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाए। मार्क्स बढ़ाने का मतलब कि जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से या जिस भी पर्टिकुलर रीजन से आपने फॉर्म फिल किया है, उसका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, उसके आसपास आपका अगर स्कोर जा रहा है, 5 नंबर कम 7 नंबर कम, तो फिर आप उस चीज को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको इस सेशन में कुछ ऐसा बता दूं कि 30 वाले 70 पे पहुंच जाए। अगर आप ये सोच के आओ कि मेरे में ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिल जाए, 30 to 70 पहुंच जाओ, 40 to 70 पहुंच जाओ, तो शायद से फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपका नंबर 5 नंबर 7 नंबर कम आ रहा है तो फिर आप रुक सकते हो उस वीडियो में, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक बटन प्लीज प्रेस कर देना और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सभी बच्चे रिलेट करेंगे जो मैं अब आगे बोलने वाला हूँ। डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मॉक टेस्ट लगाने का ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मन नहीं कर रहा होता, और ये ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पे शायद से हमें अपना मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी डबल या ट्रिपल करनी होती है। अगर मिनिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दिन का लगाना होता है, लेकिन हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, उसके बाद दूसरे मॉक टेस्ट के लिए वो सिमिलर एनर्जी नहीं हमें फील होती है जिस एनर्जी के साथ पहला मॉक टेस्ट लगाते हैं। शायद से अगर दूसरा मॉक टेस्ट लगा भी ले तो वो सिमिलर एनर्जी के साथ नहीं लगा पाते। डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एक सिंपल सा रीजन है कि सोचो, जिस दिन आपका एक मॉक में 75 या 80 के आसपास स्कोर चला गया, उस दिन आपका दूसरा मॉक लगाने का 110% आपका मन करेगा, दूसरा मॉक टेस्ट लगाएगा, और इस तरीके का मन करेगा कि पहला मॉक टेस्ट खत्म, दूसरा मॉक टेस्ट शुरू कर दोगे। लेकिन अगर किसी दिन गलती से आपका एक्सपेक्टेशन 70-75 का था और आपका स्कोर 60s में रह गया, तो उस दिन आपका दूसरा मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं करता। यही पीछे रीजन है और कुछ रीजन नहीं होता। जिस दिन आपका स्कोर अच्छा जाएगा उस दिन आप डेफिनेटली दूसरा मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो, लेकिन जिस दिन आपका स्कोर बिलो एक्सपेक्टेशंस है उस दिन आप दूसरा मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप डेली 70s या 80s में स्कोर कर रहे हो। जिस दिन आपका 60s में स्कोर चला गया, अगला मॉक टेस्ट लगाने के लिए एनर्जी फील नहीं हो रही है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका जो भी सेक्शन स्ट्रांग है, मान लो किसी बच्चे का क्वांट स्ट्रांग होगा, किसी का रीजनिंग है, किसी का इंग्लिश, जो भी आपका स्ट्रांग है पर्टिकुलर, जिसमें आपका स्ट्रांग कहने का मतलब जिसमें आपका कंटिन्यूसली मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, क्वांट में 30+ आ रहे हैं, रीजनिंग में 30+ आ रहे हैं, या फिर जिनका इंग्लिश वीक है 25-26+ जा रहे हैं, तो आप क्या करो, दूसरा मॉक टेस्ट लगाने से पहले एक उस सेक्शन का मॉक टेस्ट लगा लो। होगा क्या रीजन, क्या इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कि जब आप मान लो कि क्वांट का मॉक लगाया और आपके 34 नंबर आ जाएंगे, तो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल ये ब्रेन बन जाता है, साइकोलॉजिकल आपके पास एक टर्म बन जाएगा कि 75 स्कोर चाहिए था, 33 मेरा क्वांट से आ गया, तो कहीं ना कहीं मुझे अब चाहिए कितना, 42, अगर 75 एक्सपेक्टेशन है तो मैं 70 में से 72 तो कर सकता हूँ ना, 42 तो कर सकता हूँ ना। कैसे? मेरा रीजनिंग ठीक ठाक है, 25 वहां से स्कोर कर लूंगा तो बचेगा 20, 18, 17 इस तरीके का, तो वहां से एक ऐसा आपके साथ परसेप्शन बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर आपका सेकेंड मॉक टेस्ट लगाने का मन कर जाता है। तो जब भी आपको लगे कि आपका एनर्जी डाउन फील हो रहा है नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाने में, तो एक ऐसा सेक्शन का मॉक टेस्ट लगा लो, सेक्शनल वाला, जिसमें आप कंटिन्यूसली अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज बूस्ट योर एनर्जी एंड श्योर शॉट आप फ्रीक्वेंसी अपने मॉक टेस्ट की इंक्रीज कर रहे हो। हाँ, जिनका 12 को पेपर है, शायद से ये चीज तो आप कर सकते हो, इसमें तो आपका जरूर से बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट, या फिर
जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी या एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले 3 साल की हमको देखने को मिल रही है, अगर मान लो किसी स्टेट का 70 कट ऑफ है तो मेरा 50 स्कोर जा रहा है, तो 50 से 70 का ट्रिमेंडस चेंज आप में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा 10 से 12 दिनों के अंदर। स्पेशली जिनका 12 का पेपर है उनका तो बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा कोई चेंज, लेकिन जिनका 19 को पेपर है, जिनका 20 को पेपर है, जिनका 25 को पेपर है, आपके लिए चेंज कर सकता है। 5 नंबर 6 नंबर बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ना एक नोटबुक बना लो पतली सी, कोई भी यार एक पेज ले लो, अपने जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हो ना उस पे चिपका दो उस पेज को। आपका इंडिविजुअल टॉपिक में, इंडिविजुअल सेक्शन में जो बार बार एरर हो रहा है, मान लेते हैं कि मेरा, अगर मैं देखो इंग्लिश का सेक्शन तो मेरा पैराजंपल में गलतियां हो रही है, मैं देख रहा हूँ क्वांट में मेरा SICA का क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैं देख रहा हूँ रीजनिंग में मेरा सिलॉक्स गलत हो रहा है, तो हर टॉपिक से, हर इंडिविजुअल सेक्शन से आपको पिक करना होगा सिर्फ एक टॉपिक। डेली बेसिस पे सिर्फ एक टॉपिक पिक करो, उसके क्वेश्चंस मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाके लगाओ। मल्टीपल प्लेटफॉर्म मतलब आपके पास, ऐसा नहीं कि आपको हर में गूगल में जाके ऑनलाइन देखना है, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म, अगर मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ तो आप देखो आशीष अरोड़ा सर आपको PDF दे रहे हैं, अरुण सर आपको PDF दे रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स आपको PDF दे रहे हैं, उन एजुकेटर्स की PDF से उस पर्टिकुलर SICA के क्वेश्चन को लगा डालो। SICA का क्वेश्चन ढूंढो लगाओ, SICA का क्वेश्चन ढूंढो लगाओ, नहीं बन रहा है अप्रोच देख लो आंसर्स में जाके। सिमिलरली अगर आप रीजनिंग में जा रहे हो, आप देख रहे हो सिलॉक्स नहीं बन रहा है, तो आपका अंकुश लांबा सर की PDF ले लो, आप कहीं से जाके राधे सर की PDF ले लो, पुनीत सर की PDF ले लो, जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको, जिस भी एजुकेटर की चीजें समझ में आती है, जो भी आपको ऑथेंटिकेटेड लगते हैं उनकी PDF लो, वहां से इंडिविजुअल क्वेश्चन पिक कर लो, उसी टॉपिक पे लगाना स्टार्ट करो। सिमिलर डे पे, सेम डे पे 4-5 टॉपिक लेने से बेहतर है एक टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करो एक दिन में, ठीक है? जो स्कोर जा रहा है, अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश के चक्कर में आपके स्कोर कम हो रहे हैं। जिस दिन आप अटेम्प्ट बढ़ाने के ज्यादा सोचना बंद कर दोगे ना, आप जिस 100% के साथ सिर्फ मॉक लगाओगे, उस दिन देखना आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, आपकी परसेंटाइल भी अच्छी होगी और आपके स्कोर भी अच्छे बनेंगे। लेकिन आप जिस दिन इस अप्रोच के साथ तैयारी करना शुरू करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे कि मेरे को अटेम्प्ट ज्यादा करने, उस दिन परसेंटाइल भी गिरेगा, एक्यूरेसी परसेंटेज भी गिरेगा और स्कोर भी गिरेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज ओनली वन पिक, ओनली वन टॉपिक एंड डू हार्ड वर्क ऑन दैट वन ओनली, डू कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑन दैट वन ओनली, कुछ हेल्प नहीं करेगा कंटिन्यूस प्रैक्टिस के अलावा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अगर ये सोच के बैठ रहे हो या ये सोच के बैठ रहे हो कि मतलब मेरा 30 नंबर बढ़ जाएगा, 20 नंबर बढ़ेगा, फिर नहीं बढ़ेगा। यू कैन मैक्सिमाइज ओनली 5 to 7 मार्क्स। आप अगर इतने नंबर से पिछड़ रहे हो तो फिर आपका मॉक टेस्ट में इतना नंबर बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। गलतियां बहुत सारी हो रही होंगी, तो आपको उन बहुत सारी गलतियों में पिक करना है कि किस गलती में मैं ज्यादा कम टाइम में ज्यादा आउटकम निकाल सकता हूं, उन गलतियों पे आपको फोकस करना है, ठीक है? तो इस तरीके से एक बार अप्रोच करके देखो, 12 वाले बच्चे आपका नहीं चेंज होगा, आप मत कोशिश करना, आप जिस अप्रोच के साथ लगा रहे हो। हाँ, आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, लेकिन जिनका पेपर कहीं ना कहीं 19 को 20 को है, आप एक बार इसको फॉलो करके जरूर देखना, आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है? उम्मीद है ये सेशन आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, अगर किसी को सब्सक्राइब करने के पैसे लगे तो आप मेरे से जरूर मांग लेना, मैं अपना मेल एड्रेस बता देना और वो इनवॉइस भेज देना जिसमें आपने पैसा पेमेंट किया सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।